तो सावन बाल में जैसे भगवान शंकर जी का पूजन सावन बाल भर किया जाता है, उसी प्रकार अब कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन का विधान है। और वह विधान ऐसा है कि कार्तिक मास प्रारंभ होने के पूर्व एक दिन पहले से कोई भी तीर्थ स्थान में, अथवा अब तीर्थ में नहीं रहते घरों में है, तो प्रातः काल सूर्य उदय के पूर्व, सूर्य उदय के पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके भगवान शालिग्राम की अथवा विष्णु की मूर्ति का पूजन करें, और जो तुलसी देवता है, तुलसी माता है, उनका ही पूजन किया जाता है। उनके साथ में उनका परिक्रमा भी लगाई जाती है। और इस प्रकार से महीने भर, कार्तिक मास भर उनका पूजन किया जाता है। और यदि क्या पुण्य लाभ मिलता है? अरे इससे बहुत पुण्य लाभ मिलता है, भगवान शंकर के अभिषेक से क्या पुण्य लाभ मिला। उसी प्रकार भगवान शंकर हर प्रकार के देने वाले, रिद्धि सिद्धि धन दौलत जमीन जायदाद गहने पैसे और पुत्र पत्र आदि संतान आदि सबको प्रदान करते हैं। वो तो जगत के पालन करने वाले, उनसे क्या नहीं मिल सकता। जो अपन अपेक्षा करेंगे उससे ज्यादा वो देते हैं। संतान है, उनकी संतान की पढ़ाई लिखाई है, आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं, बीमारी से भी बचाते हैं।